जो आज अब टॉपिक शुरू करने लगे हैं ना, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो, जब एक बच्चा ये नाम पहली बार देखता है ना, तो क्लियर है वो थोड़े अटेंटिव मोड में आ जाता है कि आज हम कुछ बहुत डिफरेंट नया करने लगे हैं। पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा मेजर मार्क्स दिलवाने वाला टॉपिक है अभी 10th में। और ये इतना बेसिक टॉपिक है कि आफ्टर 2-3 ईयर्स आपको लगेगा, अरे कितना बेसिक टॉपिक है, हमारी रियल लाइफ में ये कितना काम आता है। तो ये भी उन टॉपिक्स में से है कि हम लोग कल को किसी भी स्ट्रीम में जाएं, ये हमें काम आता रहेगा। किसी भी स्ट्रीम में जाओ कल को, ये उतना बेसिक टॉपिक है कि हमें अपने आप काम आता रहेगा साथ साथ ही। तो इसको सुनना ध्यान से। तो चलो अभी टॉपिक शुरू करते हैं बिल्कुल इस बेसिक बात के साथ। अब एक बात जरा क्लियरली ऑब्जर्व करो। मान लो ये सिचुएशन होती, अब ना ये अब हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, ये हमें नोन होता है। मान लो किसी ने हमें ये दिया और बोला होता सॉल्व फॉर एक्स, तो 2x बराबर आता 4k, वहां से x आता 4/2, दैट वॉज 2। अब इस सिचुएशन को जरा रिविजिट करो। देखो ये क्या थी सिचुएशन, यहां पे था एक अननोन, देर वॉज ओनली वन अननोन एक्स एंड वन इक्वेशन वॉज गिवन। तो एक अननोन को निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होती है, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग की ऑलरेडी बनी हुई है, हमने क्लियरली इसको सॉल्व करा हुआ है, हम इस बात को जानते हैं। क्लियर है, एक अननोन तो एक इक्वेशन, वैलिड, बिल्कुल ठीक है। अब मान लो सिचुएशन ये आ जाए, यहां पे अब क्या हुआ, अब मान लो किसी ने हमें क्वेश्चन ये दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और हमें कहा कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब वैसे डिस्कस करें जरा कॉमन सेंस पे, एक्स प्लस वाई अगर बराबर है 10 के, अब यहां पे क्या हुआ कि देर आर टू अननोन्स, एक्स और वाई दोनों अननोन है और अब की बार यहां पे केवल एक इक्वेशन है। क्लियर है, हाउ टू सॉल्व, क्या करें। क्लियर है, मैं इसको डायरेक्टली तो निकाल नहीं पा रहा, एक्स निकालूं तो वो 10 माइनस वाई आ रहा है, वाई निकालूं तो वो 10 माइनस एक्स आ रहा है, तो कोई आंसर नहीं बन रहा। एक्चुअली वैसे एक बात सोचो कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कोई अगर देना हमें, तो हम लोग क्लियरली क्या ये बोल सकते हैं कि इसके तो जितने मर्जी आंसर बना लो। कैसे, मान लो x अगर, बिल्कुल कॉमन सेंस से डिस्कस करें, मान लो x अगर 9 होता, x मान लो कि अगर 9 होता तो y कितना आ जाता, 1, इट इज अ सॉल्यूशन, हमने सॉल्व कर दिया। मान लो x कहीं अगर 8 होता तो y कितना आ जाता, 2। तो अगर हमें एक इक्वेशन दी जाए और दो दो अननोन्स हों, तो हमें क्लियरली रियलाइज होता है कि जितने मर्जी आंसर बनाते रहो, मान लो x को मैं ले लूँ 7.5 तो y कितना आ गया, 2.5। तो वन इक्वेशन अगर हमें दी गई और दो दो अननोन्स हैं, तो बिना किसी भी हाई फाई कंसेप्ट के हमें कॉमन सेंस से समझ में आता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कुड हैव बीन इनफाइनेटली मैनी, जितने मर्जी आंसर बनाओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर अब हमें कहा जाए कि x और y का एग्जैक्टली जवाब बताओ, तो वो यहाँ सिचुएशन से तो बन नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन ऑर्डर टू सॉल्व टू अननोन्स देयर शुड बी टू इक्वेशंस। अगर मैं चाहूँ कि x और y की एक यूनिक, एक पक्की वैल्यू निकले, जैसे कि यहाँ पे निकली, तो वो तब निकलेगी कि मान लो हमें दिया होता कि x प्लस वाई 10 है और मान लो दिया होता कि x माइनस वाई 4 है। अब ये दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं, तो जो सिचुएशन अब बनी ना, ये वो सिचुएशन है जो कि हमारे इस चैप्टर का क्रक्स है। टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, टू लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये सिचुएशन डील करने वाले हैं, देर आर टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, इनको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल काम है। बिल्कुल सोचो डायरेक्टली हमारे पर गिरने वाले नंबर हैं ये वाले, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये वाला, पर शुरुआत हमारी यहाँ से होनी चाहिए थी। और इस बात को क्लियरली बिल्कुल कॉमन सेंस से ध्यान से पकड़ना। इसका क्या करेंगे वो अभी डिस्कस करते हैं, पर पहले बस इस पेज को रिकॉल करो कि हाँ, एक इक्वेशन था तो एक अननोन था, हमने सॉल्व कर लिया। एक इक्वेशन दी गई और दो दो अननोन्स हैं,
तो जितने मर्जी आंसर बनाई जाओ। एक्चुअली अगर हम चाहें कि एक एक आंसर ही बने, तो ऐसा होने के लिए अगर दो अननोन्स हैं तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए, दो अननोन्स हैं तो दो इक्वेशंस, बिल्कुल क्लियरली इसको ऐसे पकड़ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका करना क्या है वो भी आगे सुनेंगे। अब ना इस पूरे टॉपिक में जो हमने काम करना है ना, होगा क्या कि वो हमें दो इक्वेशंस देंगे, ऐसे कि सिंपल सी दो इक्वेशंस देंगे, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे सिंपल कोई कांस्टेंट्स होंगे, कैसे मर्जी, जो वेरिएबल है वो है x और y। क्वेश्चन होगा सॉल्व फॉर x एंड y, इस तरह की इक्वेशन होगी, जैसे क्लियर, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 या 9x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8 या उसको इधर ले आए तो ये बन गया, ये सब एक ही बातें हैं। बस इनमें जो ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है वो ये कि देखो सिंपल, दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ऐसे कि हमें दो इक्वेशंस दी जाएंगी। क्वेश्चन होगा कि एक्स और वाई का जवाब निकालो सारे क्वेश्चंस में। तो अब एक्स और वाई का जवाब कैसे निकालना है वो बहुत सिंपल कहानी है, बस पहले बस इसको रिकॉग्नाइज कर लो, अपने मन में ये डाल लो, बिल्कुल ऐसे क्लियर ये सिचुएशन डाल लो, a1x plus b1y is equal to c1 एंड a2x plus b2y is equal to c2। उसको ऐसे लिखाओ, c1 को और c2 को इधर ले आए और उस तरफ जीरो बना लिया, या फिर c1 c2 को उधर ही रहने दिया, वो हमारी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस ये फॉर्मेट दिमाग में डाल लो। अब इसका क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पे जाने से पहले एक पॉइंट बस और ऑब्जर्व करते हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है वो बहुत सिंपल काम है, उसमें बिल्कुल भी नहीं अड़ोगे। जो इसमें नोटिस करने वाली बात है वो बीच में बस एक पॉइंट है, पहले वो सुनो, पहले दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वैसे ही बिल्कुल कॉमन सेंस पे ना ये सिचुएशन सोचो, बिल्कुल कॉमन सेंस से एक बात डिस्कस करते हैं। मान लो कोई मुझे ये इक्वेशन दे, बिल्कुल कॉमन सेंस से अगर डिस्कस करें, एक्स प्लस वाई किसी ने दिया कि 2 है और हमसे कहा होता कि एक्स और वाई निकालो, सिंपल एक्स प्लस वाई को 2 देके, तो हमें समझ में आता है कि जितने मर्जी आंसर बना लो, एक्स को 1 ले लो तो वाई 1 आ गया, एक्स को 1.5 ले लो तो y 0.5 आ गया, दोनों को ऐड करो देखो 2 ही आता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। x को 5 ले लो, y क्लियर है क्या आ गया, -3, 5 माइनस 3 कितना हो जाता 2, x को 7 ले लो, y कितना आ गया -5, x को -4 ले लो, y कितना आ गया 6, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इफ देर आर टू अननोन्स एंड ओनली वन इक्वेशन। तो अब क्लियर है कि अब कभी मान लो एग्जामिनर हमें यहाँ पे फंसाएं, कैसे फंसाएं, मान लो वो हमें कहें कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, अब मान लो मैं इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई ट्रिक नहीं, तो ये क्या बन गया 2x plus 2y equal to 4, मैंने इसी इक्वेशन को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये कोई नई इक्वेशन बनी, क्लियर नहीं बनी। नई इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उस x और y के बारे में दी गई कोई नई इन्फॉर्मेशन, तो ये कोई नई इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। अगर x प्लस वाई अगर 2 हमें दिया गया है तो ऑब्वियसली 2x प्लस 2y ने 4 ही होना था, तो दिस इज नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स वॉट, सेम इक्वेशन, दिस इज द सेम इक्वेशन, नो न्यू इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। ये हमें मान लो कभी क्वेश्चन दिया जाए कि सॉल्व फॉर x एंड y और हमें ये दो इक्वेशंस दी जाएं, तो हमें समझ में आता है कि अरे ये दोनों दो इक्वेशंस तो है ही नहीं, ये तो एक्चुअली एक ही इक्वेशन है, पिछली वाली को ही बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो दिस इज नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, इट इज द सेम इन्फॉर्मेशन, जस्ट समबडी हैज मल्टीप्लाइड द गिवन इक्वेशन बाय 2, तो ये नई इक्वेशन नहीं बनी। तो अगर ये नई इक्वेशन नहीं है, मतलब हमें एक ही इक्वेशन दी गई है बस नाम बदल के, तो एक्चुअली अगर एक ही इक्वेशन हमें दी गई है तो उस केस में क्लियरली एक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर इक्वेशन एक ही दी गई है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम समझना, क्लियर है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये सिचुएशन कब आएगी, अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे a1 1 है, a2 2 है, b1 1 है, b2 2 है, c1 2 है और c2 4 है। तो जब कभी हमें दो इक्वेशंस दी जाएं और वो एक्चुअली दो ना हो, एक ही हो, तो उस केस में सिचुएशन ये बनती है, a1 by a2
बराबर होता है बी वन बाई बी टू के, वो बराबर होता है सी वन बाई सी टू के. तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमें क्लियर होता है कि ओनली वन इक्वेशन इज देयर. लग रहा है कि दो हैं पर एक्चुअली एक ही इक्वेशन है. तो उस केस में जब एक ही इक्वेशन है तो उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. और अब यहाँ पे एक नया वर्ड पकड़ना, ये वर्ड होता है ये वर्ड है डायरेक्टली कंसिस्टेंट इक्वेशन. कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इक्वेशंस ठीक है, जो इक्वेशन हमें दी गई है ये ठीक है, इक्वेशन गलत नहीं है. सॉल्यूशन इसके बहुत सारे बनेंगे पर इक्वेशन ठीक है. कंसिस्टेंट का मतलब होता है इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन गलत नहीं है. बिल्कुल इसको एग्जैक्टली ऐसे ही पकड़ना. कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ठीक है. अगर सिचुएशन ये होगी ए वन बाई ए टू बराबर होगा बी वन बाई बी टू बराबर होगा सी वन बाई सी टू के, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वुड बी इनफाइनेटली मैनी. क्यों होंगे, क्योंकि हमें समझ में आता है कि ये एक्चुअली एक ही इक्वेशन है. बिल्कुल इसको ऐसे ही ध्यान में रखना. तो क्लियर है कि अगर कोई बोले कि चेक वेदर दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, तो फटाफट क्या करोगे, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू को चेक करोगे. अगर तीनों बराबर आ रहे हुए तो द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इनफाइनेटली मैनी. बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिल्कुल ऐसे ही ना. अब ये सेकेंड सिचुएशन पकड़ो. मान लो सेम तरह की इक्वेशन होती, मान लो कोई हमें देता कि x प्लस वाई बराबर है 2 के पिछली बार की तरह, पर वो देता कि 2x प्लस 2y 17 है. तो क्लियरली हमें दिखता है कि अगर x प्लस वाई अगर 2 है तो एक्चुअली तो 2x प्लस 2y को 4 होना चाहिए. 2x प्लस 2y के 17 होने का तो कोई सेंस ही नहीं बना. तो बिल्कुल ठीक है जो हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग पकड़ी कि अगर इसी को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बनता. क्लियर, यहाँ पे लेकिन 4 आना चाहिए था तो ये तो गलत है. बिल्कुल ठीक है ये लॉजिक जो हमने सोचा. दिस इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. तो इसलिए ये दोनों जो इक्वेशंस दी गई हैं ये आपस में मैच नहीं करती. तो ये इक्वेशंस कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन टू अस. ये सिचुएशन कब आएगी, जब ए वन बाय ए टू मतलब 1/2 बराबर हो बी वन बाई बी टू मतलब 1/2 के, लेकिन ना बराबर हो सी वन बाई सी टू के. ये पॉइंट, ये है सेकेंड पॉइंट जो हमने ध्यान में रखना है कि अगर कभी ए वन बाई ए टू बराबर हो बी वन बाई बी टू के लेकिन वो सी वन बाई सी टू के बराबर ना हो, तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. वाई, बिल्कुल क्लियर कट विथ कॉमन सेंस. ये याद करना नहीं है, ये क्लियर है. हम लोग इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे लेकिन हमें पूरी तरह समझ में आना चाहिए कि ये क्यों बनाया गया. अगर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी तो सेम इक्वेशंस हैं. सेम इक्वेशंस का पता कैसे चलता है, ए वन बाई ए टू बराबर हो बी वन बाई बी टू बराबर हो सी वन बाई सी टू के. लेकिन कभी अगर ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू बराबर हों सी वन बाई सी टू के बराबर ना हो, तो हमें क्लियर होता है कि इक्वेशंस आर रॉन्ग. रॉन्ग का राइट वर्ड अब क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट. इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट मतलब इक्वेशंस आर रॉन्ग. क्लियरली दे आर हैविंग नो सॉल्यूशन. ये सेकेंड पॉइंट हमने ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना. कई बार अब ना इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग फेस करने वाले हैं, वो हमें दो इक्वेशंस दे के कहेंगे चेक वेदर दीज टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और दे आर हैविंग इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन. अब इसी में बस एक थर्ड पॉइंट है, वो मिला के इसके सारे क्वेश्चन की वराइटी देखनी शुरू करेंगे. पर पहले बस ये थर्ड पॉइंट सुन लो. अब सोचो कि सिचुएशन ये होती कि x प्लस वाई हमें 2 गिवन है जैसे हमें हर बार गिवन था, और अब की बार एक नई बात बताई गई कि x माइनस वाई बराबर है 1 के. सो नाउ दिस इज अ न्यू इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस रिगार्डिंग x एंड y. अब हमें दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन गिवन हैं, मतलब दो इक्वेशंस गिवन हैं और दो अननोन्स हैं. ये वो पैटर्न है जो हम इस पूरे टॉपिक में 99% टाइम फेस करेंगे. ये दोनों क्लियर है कि बिल्कुल शुरुआती बातें हैं कि जब हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या पता क्वेश्चन ही आ जाए कि चेक करो कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. पर जो पैटर्न सारे क्वेश्चंस में फेस करने वाले हो ना, वो ये वाला है. दो इक्वेशंस हैं अलग अलग और दो अननोन्स हैं. इस केस में आंसर कैसा बनेगा, सिंपल एक्स और वाई के कोई अपने आप में एक एक आंसर आ जाएंगे. कैसा आंसर बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन.
यूनिक सॉल्यूशन और इक्वेशंस ठीक हैं आपकी बार, तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। तो इस केस में सिचुएशन क्या होगी कि ए वन बाई ए टू वुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू, मतलब इन दोनों का रेशियो सेम नहीं होगा। इन दोनों का रेशियो अगर सेम नहीं है तो पक्का यूनिक सॉल्यूशन बनने वाला है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, कोई पूछे यूनिक सॉल्यूशन हमें चाहिए, क्वेश्चन ही ये पूछे, तो क्लियरली क्या देखोगे कि ए वन बाई ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू। वाई? बिकॉज दिस गिव्स अस टू डिफरेंट इक्वेशंस, दो अननोन्स हैं, दो डिफरेंट इक्वेशंस होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ये पेज को ध्यान में रखो, कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं हम लोगों ने स्पेशल करना, हमें क्लियरली वर्ड बाय वर्ड समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। तो जब ये समझ में आता है ना कि ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर ये बुक से याद नहीं करना पड़ता, हमें पता होता है कि इसको बनाया कैसे। क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर हमें दो इक्वेशन दी गई हैं तो उसके इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर ये सॉल्यूशन ये सिचुएशन हो, नो सॉल्यूशन हो सकता है अगर ये सिचुएशन हो, और जो हम लोग मैक्सिमम फेस करेंगे ऑलमोस्ट सभी में वो ये है कि दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं। दो अलग इक्वेशंस हैं वो डिसाइड कौन करवाता है, ये ए वन बाई ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू। इट गिव्स अस कि द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब ठीक है इक्वेशंस, इक्वेशंस आर नॉट रॉन्ग, एंड दिस इक्वेशन विल दीज इक्वेशंस विल गिव अस अ यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल इसको ऐसे बोलना, इसका क्या करना है वो भी क्वेश्चंस में हमें दिखेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक्चुअली हमें जो दो इक्वेशंस ऐसे की दी जाएंगी और हमें कहा जाएगा कि इनको सॉल्व करो, क्वेश्चन क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। सॉल्व करना इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, अब उसकी तरफ चलना है हमने, पर पहले ना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे एक दो क्वेश्चंस वैसे ही डिस्कस करते हैं। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो हमने पॉइंट सुना, अब उस पर ये क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल कैटेगरी होती है, बहुत तेज पकड़ना चाहिए हमें ये क्वेश्चन। हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवेन है और हमें चेक करने को कहा गया कि चेक वेदर दीज टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब इक्वेशंस ठीक हैं कि गलत हैं। तो वो पता कैसे करते हैं, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू निकाल के उनके रेशियोज पकड़ते हैं कि जो इक्वेशन दी गई वो ठीक हैं कि गलत हैं। तो हमने वो निकाल लिया, ए वन थ्री ए टू टू, बी वन टू बी टू माइनस थ्री, सी वन फाइव सी टू सेवन। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ए वन बाई ए टू निकालना चाहिए, वो आ गया थ्री बाई टू, बी वन बाई बी टू निकालना चाहिए, वो आ गया माइनस टू बाई थ्री, क्लियर, टू अपॉन माइनस थ्री विच इज माइनस टू अपॉन थ्री। तो इस वाले में ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू आपस में बराबर नहीं आए। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं आए, हमें देखते ही क्लियर है कि मतलब ये दोनों सेपरेट इक्वेशंस हैं। तो इस केस में सिचुएशन क्या बनी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस एंड यूनिक सॉल्यूशन, याद रखना ये नाम, क्लियर है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन इज यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल क्लियरली ये नाम भी ध्यान में रखना, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा बनेगा इस केस में, यूनिक, एग्जैक्टली ऐसे बोलना आना चाहिए हमें। चलो अब इसी पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन है, हमें दो इक्वेशंस देके कहा गया कि चेक वेदर दीज टू आर कंसिस्टेंट और नॉट। अब हमें क्लियरली वो पता होने का लॉजिक समझ में आता है, तो क्लियर है, बिल्कुल उसको वैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ए वन कितना है, टू, ए टू फोर, बी वन माइनस थ्री, बी टू माइनस सिक्स, सी वन एट एंड सी टू नाइन। तो क्या निकालोगे, ए वन बाई ए टू वो आ गया टू बाई फोर, बी वन बाई बी टू वो आ गया माइनस थ्री बाई माइनस सिक्स विच इज वन बाई टू, सी वन बाई सी टू विच इज एट बाई नाइन। तो हमें रिलाइज हुआ कि जो ए वन बाई ए टू आया और जो बी वन बाई बी टू है वो तो बराबर आ गए, मतलब दोनों इक्वेशंस बस इस वाले को टू से मल्टीप्लाई करो तो ये वाली बन रही थी एक्चुअली, पर वो सी वन बाई सी टू के बराबर नहीं आ रहा। तो हमें क्लियरली समझ में आया कि जो हमने तीन सिचुएशन सुनी थी ये उसमें सेकेंड वाली आ गई कि ए वन बाई ए टू बराबर है बी वन बाई बी टू के, लेकिन वो सी वन बाई सी टू के बराबर नहीं है। तो ये सिचुएशन कौन सी बनी, नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर रॉन्ग। रॉन्ग इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और आंसर्स कितने बनेंगे, कोई आंसर नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इक्वेशंस ही गलत हैं। बिल्कुल इसको ऐसे बोलने की समझ होनी चाहिए,
इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशंस, बिकॉज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर रॉन्ग एक्चुअली. नेक्स्ट देखो, अब ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ऑन एग्जैक्टली द सेम पैटर्न. अब हमें फॉर्मेट में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसमें करते क्या है. A1 5, A2 -10, B1 -3, B2 6, C1 11 and C2 -22. सेम लॉजिक, फटाफट क्या करोगे? A1 by A2 निकाला, B1 by B2 and C1 by C2. इस क्वेश्चन में हमें रियलाइज हुआ कि A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 तीनों सेम आ गए. एक्चुअली उसका मतलब पता है क्या होता है? जब ये तीनों सेम आ गए तो हमें अंदर अंदर जो बुक्स ने बताया उससे भी ज़्यादा अकल होती है, कि हमें क्लेरिटी है कि अच्छा इसका मतलब एक्चुअली ये दोनों इक्वेशंस सेम है. तो जब एक ही इक्वेशन है ये, तो इसके सॉल्यूशंस कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी. तो इक्वेशंस ठीक हैं पर अभी कम हैं. अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए इक्वेशंस कम हैं. तो ये कैसे बनी? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. और इक्वेशंस कैसी हैं? इक्वेशन ठीक है. कैसी इक्वेशन है? कंसिस्टेंट इक्वेशन है. सॉल्यूशन कितने बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी. बिल्कुल ऐसे बोल पाने की, देख पाने की समझ चाहिए. इट इज़ अ वेरी बेसिक लॉजिक, पर बिल्कुल हमारे टॉपिक की शुरुआत यहाँ से होनी बनती है कि हम लोग इस बात को साफ साफ बोल पाएँ, देखते ही पहचान पाएँ कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर आपस में कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं. वहीं से काम शुरू हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए. अब ये क्वेश्चन देखो, हमें अब पूछा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज टू इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो वो सिचुएशन क्या होती है? उसमें A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 तीनों इक्वल होते हैं. तो अब वो अंडरस्टैंडिंग तो हमें आती थी. A1 by A2 हमने करा, वो कितना आ गया? K/6. B1 by B2 करा, वो आ गया -4/-12. C1 by C2 करा, वो आ गया 3/9. हमने क्या निकालना है? K. तो हमें क्लियरली दिखा कि ये कितना बन रहा है? 1/3. ये भी कितना बन रहा है? 1/3. मतलब K/6 को बराबर आना चाहिए था 1/3 के. वहाँ से K क्लियरली आ गया 6/3, दैट इज 2. तो दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बस ये इतनी छोटी सी बात को बस रिकॉग्नाइज करने के लिए था. देर वॉज नो ट्रिक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं. अब हमें कहा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन में बोलो. अच्छा, एक बात और याद रखना, जब क्वेश्चंस करते हो ना तो हर एक का लर्निंग पैटर्न अलग है. बोला करो, अपने आप को बोला करो. तो उससे ना वो पॉइंट आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं हिलेगा. फिर बोला करो कि मुझे क्या चाहिए. आई वॉन्ट दीज टू इक्वेशन शुड हैव नो सॉल्यूशन. तो मैं क्या, इस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? कि बोलो अपने आप से कि A1 by A2 शुड बी इक्वल टू B1 by B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1 by C2. तो हमें क्या करना चाहिए? A1 by A2 को हम लोग निकालें, उसको B1 by B2 के बराबर करें और बोलें कि वो C1 by C2 के बराबर नहीं होगा. A1 by A2 कितना बना? K/12. B1 by B2 3/K. C1 by C2 1/2. तो A1 by A2 को बराबर होना चाहिए B1 by B2 के. हमने इसको सॉल्व करा, यहाँ से K² बराबर आ गया 36 के. K² अगर 36 आ गया तो K के दो आंसर्स आ गए, ±6. क्लियर है? एक आंसर नहीं आया. K² इक्वल टू 36 है ना, वहाँ से K के दो आंसर्स आए. क्लियर है? दो आंसर्स कैसे आए? डायरेक्टली बोल लो या इसको फैक्टराइज करके बोल लो. ये आ गया K-6 × K+6. इसको जीरो करो तो K के दो आंसर आ रहे हैं, 6 और -6. K के दो आंसर्स आए, 6 और -6. इस क्वेश्चन में अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमने K की वैल्यू 6 को रिजेक्ट करना था. इसको हमने रिजेक्ट करना था, ये हमारा आंसर होता. क्यों? क्योंकि अगर K को 6 लो ना, अगर K को 6 लो तो 6/12 बराबर आ रहा था 1/2 के. 6/12 बराबर आ रहा था 1/2 के. तो दिस वॉज टू बी रिजेक्टेड. दिस वॉज द आंसर, बिकॉज वी वॉन्टेड कि A1 by A2 शुड बी इक्वल टू B1 by B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1 by C2. पर अगर K को 6 ले लो
तो वो C1 बाई C2 के बराबर आ रहा था, वो हमें नहीं चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में कहा होता कि वी नीड इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, सेम क्वेश्चन में मान लो इसी क्वेश्चन में कहा होता कि वी नीड इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, तो हम लोग के को 6 लेते और -6 को रिजेक्ट करते। सेम क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में अगर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बोला जाता तब के को 6 लेते। क्यों? तब a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों इक्वल आ जाते। बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत सिंपल पॉइंट है, इतनी सी बात ही ध्यान में रखनी है, कोई और ट्रिक नहीं, बस इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन है, हमें किसी ने कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या करते हैं इसके लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन की बस शक्ल बदलेगी, हमारा लॉजिक सेम रहेगा, जो मर्जी क्वेश्चन है इस तरह का। हमें क्या करना चाहिए? a1 बाय a2 को बराबर होना चाहिए b1 बाय b2 को बराबर होना चाहिए c1 बाय c2 के, फॉर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब a1 कितना था? 2m-1, a2 3, b1 3, b2 n-1। अब देखो यहाँ पे व्हाट ही हैज डन, एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या करा कि वो यहाँ पे c1 c2 को इस तरफ ले आए। कोई बात नहीं, अगर ये 5 उधर होता तो सिंपली क्या होता, C1 कितना आता? 5, और C2 कितना आता? 2। बिल्कुल क्लियरली हमने इसको ऐसे पकड़ लिया। अब हमें चाहिए कि इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, उसके लिए A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 तीनों आपस में इक्वल। तो 2m-1 बाई 3 को बराबर होना चाहिए 3/n-1 के, को बराबर होना चाहिए 5/2 के। अब क्या करें m और n निकालने के लिए? अगर इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो m और n तो निकलेगा नहीं, तो क्यों ना एक काम करें कि इसे और इसे सॉल्व कर लें। 2m-1/3 = 5/2, और सिमिलरली 3/n-1 इज इक्वल टू 5/2। हमें गिवन तो है कि दोनों इक्वल टू 5/2 हैं, तो हमने सिंपली 2m-1/3 = 5/2 करा, और वहीं पे 3/n-1 = 5/2 करा। अब ये सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4m-2 = 15, वहाँ से 4m आ गया 17 और m आ गया 17/4। सिमिलरली 5n-5 = 6 के, वहाँ से n बराबर आ गया 11/5। ये आ गया n का फाइनल आंसर। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ना चाहिए था हमें, और बहुत सिंपल कैटेगरी होती है और ये हमें एग्जाम में आ ही जाते हैं क्वेश्चंस, इसलिए बड़ी क्लैरिटी में हमें ये समझ में भी आने चाहिए और इनमें क्या क्या हो सकता है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आज वाली क्लास में ना हमने लीनियर इक्वेशन शुरू करा, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, समझो बिल्कुल डायरेक्ट मार्क्स मिलने वाला टॉपिक है। इसमें आगे ना क्वेश्चंस में और इंटरेस्टिंग वैरायटीज आएंगी, टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग वैरायटीज आएंगी, उनको हम लोग बड़ी आसानी से बड़ी लॉजिकली कैप्चर करेंगे जब वहाँ तक जाएंगे। तो बस स्टेप वाइज चलो, ग्रेजुअली चलो टॉपिक में आगे। तो क्लियर है कि बहुत सिंपल टॉपिक है पर कुछ ज़्यादा दिन चलेगा ये, तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लेगा है, पर इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, एग्जाम में ये हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस वाला टॉपिक होगा। तो जो आज नाम करा बस उसको रिवाइज करो, इसी से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।